मुझसे वादा कर तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। लेकिन इस दुनिया में जब तक ये जिंदा है, मेरी ख्वाहिश पूरी करने वाला सुल्तान बन के ही जिएगा। रॉकिंग स्टार यश एक ऐसे एक्टर है जो कि साउथ में ही नहीं बल्कि अब पैन इंडिया अब वो एक सुपरस्टार बन चुके हैं और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ, इस फिल्म ने बाहुबली और आरआरआर जैसी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है और 100 करोड़ में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1250 करोड़ रुपए की कमाई भी की है और अब फैंस बड़ी बेसब्री से फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि केजीएफ चैप्टर 3 पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा और यश ने भी इवेंट में अपनी अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 3 पर खुलकर बात की है और बताया है कि इस फिल्म में पहले से भी ज्यादा खतरनाक और धमाकेदार होने वाली है। प्रशांत नील की इस फिल्म की स्टोरी में एक्शन और वीएफएक्स को फैंस ने खूब पसंद किया है और रॉकी और उसकी लाइफ की कहानी भी सबको बहुत ज्यादा पसंद आई थी और अब काफी कुछ बचा है रॉकी की कहानी में जो कि केजीएफ चैप्टर 3 में देखने को मिलेगा। साथ ही यश ने बताया है कि मैन और फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने तीसरे पार्ट के लिए काफी कुछ प्लान किया है और वो सब हम तीसरे पार्ट में दिखाने वाले हैं जो दूसरे पार्ट में नहीं दिखा पाए थे। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खबरें आ रही है कि बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार ऋतिक रोशन फिल्म में यश के साथ नजर आ सकते हैं और इनके अलावा रवीना टंडन, प्रकाश राज और प्रभास का भी एक कैमियो देखने को मिल सकता है। बात करें फिल्म के रिलीज की तो अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट फिल्म को लेकर नहीं आई है क्योंकि प्रशांत नील जी अभी बाकी के प्रोजेक्ट्स में बिजी है। तो दोस्तों, आप सभी साउथ और बॉलीवुड के दोनों बड़े एक्शन सुपरस्टार्स को एक साथ देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।